हाय एवरीवन, आज हम सी प्लस प्लस में देखते हैं चेक इफ़ नंबर इज़ इवन और ऑड। सी प्लस प्लस में कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देन इंटीजर मेन में हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो टू स्लैशेस हम एंटर करते हैं तो इट मीन्स दैट वो जो लाइन है वो रन नहीं होगी। चेक इफ़ नंबर इज़ इवन और ऑड, उसके लिए हमने एक इंटीजर एक्स वेरिएबल है, उसकी प्रोटोटाइप इंटीजर है सी आउट जो हमें स्क्रीन पर शो हो एंटर अ नंबर, और स्क्रीन पर शो हो एंटर नंबर देन सी आई एन जो कि हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो हमारे एक्स में स्टोर हो जाएगा कंसोल इनपुट। देन एक्स में इफ इफ की टू ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक्स मॉड्यूल टू, मॉड्यूल इसमें डिवाइडेड बाय की जगह यूज़ होता है, एक्स मॉड्यूल टू डबल इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर डबल इज़ इक्वल टू कंपैरिजन के लिए आता है। देन सी आउट नंबर इज इवन, उसको इन्वर्टेड कॉमास में हम क्लोज करते हैं। देन वो चेक करें इफ़ नंबर इज एक्स डिवाइडेड बाय टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो नंबर इज़ इवन, एल्स नंबर इज़ ऑड। देन एल्स सी आउट हो जाए, इसको इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग बंद करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास देन सेमी कॉलन और फिर हम सेंटर में लिखेंगे नंबर इज़ ऑड। एंड देन हमारे पास ये एल्स की ब्रैकेट्स हैं एंड ये हमारे पास ऊपर इफ़ की ब्रैकेट्स भी हैं एंड पर सेमी कॉलन है एंड देन सिंगल लाइन कमेंट जो कि लाइन रन नहीं होगी। सी आई एन एक्स का मतलब है सिंगल लाइन कमेंट, हम लिख सकते हैं स्टोर्स वैल्यूज़ इन एक्स, ये जो हम एंटर कर रहे हैं वो एक्स में वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, ये इफ़ की ब्रैकेट्स भी हैं। एंड देन हमने यहाँ पर एंडल यूज़ नहीं किया कि हमारे पास एक लाइन सेपरेट हो जाए, तो अब अभी हम देखते हैं बिल्ड एंड रन इन करके कि अगर हम एंडल यूज़ नहीं करते तो हमारे पास जब हम एंटर नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा। बिल्ड एंड रन इन एंटर अ नंबर, हमने नंबर एंटर किया 20, तो हमारे पास नंबर इज़ इवन, 20 नंबर इज़ इवन है लेकिन वो साथ ही लिखा गया है। अगर हम यहाँ पर एंडल यूज़ करते हैं ऑपरेटर सी आउट में एंडल यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो एक स्क्रीन पे शो रहा है नंबर इज़ इवन उसको एक न्यू लाइन पर आ जाए कि जो हम एक नंबर देंगे उसका जो कर्सर है वो एक सेपरेट लाइन में ब्लिंक किया करे। देन इसको एंडल यूज़ करते हैं, देन बिल्ड एंड रन इन हम करते हैं एंटर नंबर, तो कर्सर एक न्यू लाइन पर ब्लिंक कर रहा है 20, देन नंबर इज़ इवन, और ये हमारे पास सिर्फ ये एक ही नंबर लेता है और वैसे ही प्रोग्राम हमारा बंद हो जाता है। अगर हम वाइल का यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं, उससे पहले हम फिर एक बार देखते हैं एंटर नंबर 23 नंबर इज़ ऑड, आप कोई से भी नंबर देख सकते हैं कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, लेकिन अगर हम वाइल का यूज़ करें, वाइल का मतलब है कि उस वक्त तक वो नंबर लेता जाए जब तक कि मैं कोई एक कंडीशन रख दूं कि मैं अगर ज़ीरो एंटर नहीं करती तो वो उस वक्त तक पूछता जाए एंटर नंबर एंटर नंबर, तो उसके लिए वाइल एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब तक कि एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो ना हो तो ये हमारे पास पूछता जाए एंटर नंबर। हम उसकी एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू करेंगे एंड पर हम क्लोज़ करते हैं। देन बिल्ड एंड रन इन एंटर नंबर, हमने 11 किया नंबर इज़ ऑड, देन एंटर नंबर 45 नंबर इज़ ऑड, एंटर नंबर 88, ये उस वक्त तक एंटर नंबर कहता जाएगा जब तक कि हम ज़ीरो एंटर नहीं करेंगे। नंबर इज़ इवन, देन एंटर नंबर 23 नंबर इज़ ऑड, एंटर नंबर और मैं कहती हूँ ज़ीरो, उसने कहा है नंबर इज़ इवन लेकिन अब कोई भी और एंटर नहीं हो सकता, हमने कंडीशन में भी यही लिखा था कि जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए उस वक्त तक ये प्रोग्राम चलता रहे। सो ये था इफ़ एल्स एंड वाइल का यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं चेक इफ़ नंबर इज़ इवन और ऑड।